नमस्कार, सत्यराज लॉस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का टॉपिक है सडन एंड ग्रेव प्रोवोकेशन, यानी कि गंभीर और अचानक प्रकोपन, ठीक है, जो कि सेक्शन 300 ऑफ द इंडियन पैनल कोड 1860 का पहला अपवाद है। यानी कि फ्रेंड, सेक्शन 300 ऑफ द इंडियन पैनल कोड में कुल 5 अपवाद है, जिसमें अगर अपवाद की कैटेगरी में आता है तो कोई भी डेथ यानी वध, मानव वध होगा, हत्या नहीं होगा, ठीक है, जिसका पनिशमेंट 302 में दिया हुआ है। तो पहला अपवाद आपको बता दें कि सेक्शन 300 का पहला अपवाद है ए ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन, यानी गंभीर एंड अचानक प्रकोपन, ठीक है। दूसरा जो अपवाद है वो है कि अगर पब्लिक सर्वेंट या राइट टू प्राइवेट डिफेंस में बोनाफाइडली कोई व्यक्ति काम करते हुए किसी विपद गाइड कर देता है तो वो सेकंड एक्सेप्शन में आएगा। थर्ड एक्सेप्शन जो है, पब्लिक सर्वेंट जब अपने लॉफुल ड्यूटी को एक्सीड कर जाए, यानी जो ड्यूटी दी गई है उसको एक्सीड कर जाए, तो उसे हम जो है ये कहते हैं कि ये अपनी ड्यूटी को एक्सीड कर गया है, और ऐसे में अगर उसकी हत्या गाइड कर दी जाती है तो वो भी मानववध ही होगा, ठीक है। चौथा जो है वो विदाउट प्री मेडिटेशन सडन फाइट एंड कोरल, अचानक झगड़ा हो गया हो और बिना सोच विचार के झगड़ा हो गया हो, उसका परिणाम जो है किसी का हत्या हो गया हो, यानी डेथ काइट हो गया हो, तो वो भी मानववध की कैटेगरी में ही आएगा, ठीक। और लास्ट है जो कंसेंट, यानी कि जो डिजीज्ड है उसने खुद ही कंसेंट दिया हुआ है और उसकी उम्र 18 साल है, ठीक है, और उस कंसेंट पे अगर उसकी हत्या कर दी जाती है तो वो भी जो है मानव वध होगा, हत्या नहीं होगा। यानी याद रखिएगा कि 300 के जितने भी अपवाद है, पांचों अपवाद में जो कैटेगरी आती है वो मानव वध होता है, हत्या नहीं होता है, यानी कि उसका पनिशमेंट 304 ऑफ द इंडियन पैनल कोड में होगा, न कि 302 से, ठीक। तो आज का टॉपिक हमारा 300 का पहला अपवाद है ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन, अर्थात गंभीर और अचानक प्रकोपन, ठीक। तो फ्रेंड्स, आपको बता दें कि 300 के पहले अपवाद में भी 4 प्रोविजो है, यानी कि ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन को हम 4 अपवाद में 4 प्रोविजो दिया गया है कि अगर ये प्रोविजो में आ रहे हैं तो वो ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन नहीं होगा। तो ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन का पहला प्रोविजो ये है कि जो भी प्रकोपन हो रहा है वह स्वेच्छाकारित नहीं होना चाहिए, यानी वॉलंटरली नहीं होना चाहिए, ये पहला प्रोविजो है। अगर स्वेच्छा से की गई है तो वो प्रकोपन, अचानक प्रकोपन नहीं कहलाएगा, ठीक। दूसरा कि अगर कोई पब्लिक सर्वेंट के लॉफुल डिस्चार्ज ड्यूटी, यानी कोई पब्लिक सर्वेंट है और वो अपना ड्यूटी विधिवत काम कर रहा है और उस कार्य के द्वारा प्रकोपन हो रहा है तो भी ये प्रकोपन नहीं होगा। तीसरा कि अगर कोई राइट टू प्राइवेट डिफेंस, यानी कि आत्म सुरक्षा का अधिकार को प्रयोग करते हुए विधिवत प्रयोग कर रहा है, ठीक है, और उसके द्वारा वो प्रकोपित हो जाता है कोई व्यक्ति और उसमें वो किसी का डेथ कर देता है तो भी प्रकोपन नहीं होगा, ठीक है। और लास्ट ये है कि जो आरोपित व्यक्ति है वो प्रकोपन स्थल पे नहीं जाना चाहिए, यानी कि वो व्यक्ति जो है जहाँ प्रकोपित हुआ है वो उसी स्थल पे होना चाहिए और अचानक होना चाहिए। अचानक की कैटेगरी तब आता है जब एक डेथ काइट करने का जो फैटल ब्लो है, ठीक है, यानी गंभीर प्रकार का जो आक्रमण है और प्रकोपन, इन दोनों के बीच में गैप नहीं होना चाहिए, वरना ये सडन यानी अचानक नहीं होगा, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, जो लास्ट पॉइंट जो दिया हुआ भाई, जो इसमें कहा गया है कि अगर प्रकोपित व्यक्ति उस स्थल पर जाता है और वहाँ पर प्रकोपित हो करके जा करके हत्या कैद करता है तो फिर हत्या हो, ठीक है, लेकिन अगर जहाँ पर वो है, ठीक है, अपना नित्य कार्य कर रहा है और अचानक जो है वो घटना ऐसा देखता है और वहाँ से प्रकोपित हो जाता है, यानी कि घटना घटित होने और उसको देख करके या उसको समझ करके अगर उसमें कोई गैप नहीं आ रहा है तभी हम इसे कहेंगे अचानक, ठीक है, अचानक प्रकोपित होना, ठीक।
जैसे कि एग्जाम्पल कह सकते हैं कि ये जो 300 का जो पहला वार्ड है क्रेम्स एंड प्रोवोकेशन, उसका चौथा जो प्रोवाइजो है जो ये कहा गया है कि आरोपित व्यक्ति को प्रकोपित जगह पे नहीं जाना चाहिए, ठीक है, बल्कि प्रकोपित उसके पास आना चाहिए, प्रकोपन उसके पास होना चाहिए, और उससे प्रकोपित होकर के वो कोई डेथ कैद करता है तभी वो मानवत होगा, हत्या में नहीं आएगा, ठीक। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि जैसे दो लोग हैं ए और बी, ठीक है, ए जो है वो बी से प्यार करता है, ठीक है, लेकिन बी ए से प्यार नहीं करता बल्कि बी जो है वो सी से प्यार करती है, ठीक। बी ए ने बी को कई बार समझाया लेकिन उसने नहीं माना, ठीक। अब क्या हुआ कि ये जो ए है वो इतना नाराज है इन दोनों के रिलेशनशिप से, बी और सी के बीच रिलेशन को देख करके, कि वो उससे काफ़ी खफा रहता है। और एक दिन उसने क्या हुआ कि जहाँ पर ये ए बी और सी एक स्थल पे मिल गए थे, डेटिंग कर रहे थे, वहाँ पर ये ए जाता है और बी सी की हत्या कर देता है। याद रखिएगा ये घटना अचानक प्रकोपन का नहीं है, क्यों? क्योंकि प्रकोपित हुआ व्यक्ति और जो फैटल ब्लो करता है, गंभीर कायद करता है, उन दोनों के बीच में अच्छा खासा गैप है। ये गैप अगर होता है तो इसे हम सडन प्रोवोकेशन नहीं कहेंगे, ठीक है, यानी कि घटना ऐसा होना चाहिए कि अचानक हुआ हो और उस घटने से प्रकोपन अचानक आया हो और फिर उसका परिणाम क्या हुआ कि किसी का हत्या हो गया, तभी ये ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन कहलाएगा, अन्यथा नहीं, ठीक। फ्रेंड आपको बताते चले कि ये ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन को हमारे एपेक्स कोर्ट ने कुछ पैरामीटर्स पे पॉइंट लेट डाउन किया हुआ है जिससे इसका परीक्षण होगा कि वास्तव में हम कब ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन कहेंगे और कब हम नहीं कहेंगे, ठीक है। तो गंभीर अचानक प्रकोपन के लिए 4 पॉइंट हमारे एपेक्स कोर्ट ने एक केस में लेट डाउन किया हुआ है। वो केस का नाम है KM नानावती वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 1962 सुप्रीम कोर्ट, ठीक। फ्रेंड आपको ये बताता चले यहाँ पर कि KM नानावती के केस से ही, यानी 1962 से पहले कोई भी फैसला जो आखिर में सुप्रीम कोर्ट किया करती थी वो उसमें जूरी मेंबर हुआ करते थे। जूरी यानी कि कई जनों के ग्रुप किसी मैटर को डिसाइड करते थे, ठीक। 1962 के बाद से हमारे यहाँ जूरी सिस्टम खत्म हो गया और बेंच सिस्टम आ गया। बेंच मतलब जो सुप्रीम कोर्ट में मिनिमम जो जज की बेंच होती है वो 2 जजों की होती है, उसके बाद ऑड इवन से चलता है, जैसे कि 2 है, उसके बाद फिर 3, फिर 5, फिर 7, ठीक है। ये सारी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है, वो 11-13 तक किया हुआ, क्योंकि आपने देखा होगा कि केशव भारती केस में 13 जजेस ने मिल करके फैसला दिया था और बेसिक स्ट्रक्चर का लॉ लेट डाउन किया था ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो इस तरह से जो है जूरी सिस्टम खत्म हो गया KM नानावती 1962 के केस के बाद से, और बेंच सिस्टम स्टार्ट हो गया, ठीक। अब देखते हैं KM नानावती का पहले हम फैक्ट को समझते हैं कि क्या मामला हुआ था और कैसे इसमें जो है ग्रेव अनसर्टेन प्रोवोकेशन के पैरामीटर को लेट डाउन किया गया, जिसके आधार पर टेस्ट किया जाएगा, परीक्षण किया जाएगा कि किसे हम ग्रेव अनसर्टेन प्रोवोकेशन कहेंगे। तो KM नानावती क्या थे कि नानावती साहब जो है ये खुद नेवल ऑफिसर थे, ठीक है, और इनकी पत्नी का अफेयर एक दूसरे नेवल ऑफिसर मिस्टर आहूजा से था, ठीक है। ये बात नानावती जानते थे कि उनकी बीवी का अफेयर किसी और, उनके मित्र जो मिस्टर आहूजा है उनसे चल रहा है। तो ये उस समय कुछ नहीं कहें, एक दिन ऑफिस से आए तो देखे घर पे इनकी मिसेस नहीं है, ये सीधे मिस्टर आहूजा के घर पे गए राइफल लेकर के, ठीक है। वहाँ पर मिस्टर आहूजा से कहें, उन्हें पूछा कि मिस्टर आहूजा क्या तुम मेरी वाइफ से शादी करोगे, मिस्टर आहूजा ने इनकार कर दिया और इनकार से ही इनका अचानक प्रकोप बढ़ गया और उन्होंने ऑन स्पॉट उसी राइफल से मिस्टर आहूजा का कत्ल कर दिया। मामला एपेक्स कोर्ट तक गया, एपेक्स कोर्ट ने इस चीज़ को हेल्ड किया कि नहीं, KM नानावती जो काम किया है डैट इज मर्डर, क्यों? क्योंकि जो फैटल ब्लो और प्रोवोकेशन है उन दोनों के बीच में अच्छा खासा गैप है। मैंने आपको बताया सडन का मतलब क्या है, अचानक कब होगा ना, जब अचानक घटना घटित हो। घटना तो आपने क्रिएट किया, ठीक है,
ग्रेवेंस नोटिफिकेशन का पहला प्रोवाइड जो है कि वॉलंट्री नहीं होना चाहिए। यहाँ पर क्या है, नानावती ने खुद ही वॉलंट्री क्रिएट कर दी। ठीक है, अगर ये अचानक ऑफिस घर आए होते हैं, अचानक उन्होंने देखा होता अपनी वाइफ को किसी और साथ अफेयर करते हुए, वहाँ पर अगर ऐसी घटना घट गई होती तुरंत ऑन स्पॉट, तो ये अचानक होता है। ठीक है, लेकिन ये घटना नहीं कि आप राइफल लेके गए और विक्टिम के घर पे गए, वहाँ पर अच्छा खासा बातचीत हुआ और फिर आपने वहाँ पर डेथ का एक्ट कर दिया। दिस इज नॉट अ सडन। ठीक है, तो इसी पे इन्होंने अपेक्स कोर्ट ने 4 पॉइंट लेट डाउन किया टू हाउ टू टेस्ट दैट वेदर सिचुएशन इज ग्रेव हजार्ड नोटिफिकेशन, गंभीर अचानक प्रकोप में आता है या नहीं आता है, ये चीज़ के लिए 4 पॉइंट उन्होंने लेट डाउन किया। सबसे पहला पॉइंट ये कहा कि क्या एक रीजनेबल व्यक्ति यानी युक्त व्यक्ति अगर उसी परिस्थिति में हो, उसी सोसाइटी में हो, यानी कि उसी सोसाइटी उसी सिचुएशन में हो जैसे नानावती थे, तो क्या ऐसा ही प्रोवोकेशन उभरेगा, ऐसा ही प्रकोपन जागृत होगा उसके अंदर। पहला पॉइंट ये टेस्ट करना पड़ेगा। ठीक, दूसरा कि क्या ऐसा प्रकोपन शब्द और संकेत वर्ड और गेस्चर से भी क्रिएट हो सकता है। तीसरा पॉइंट ये उन्होंने जनरेट किया कि विक्टिम या डिजीज्ड के पूर्व हरकतों की वजह से, याद रखिएगा प्रीवियस एक्ट ऑफ द विक्टिम की वजह से जो अक्यूज की मेंटल स्थिति थी वो डिस्टर्ब हो गई, और उस डिस्टर्ब मेंटल स्थिति में अगर वो किसी का हत्याकांड कर देता है तो क्या हम इसे ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन कहेंगे। यानी मानसिक स्थिति को ध्यान रखना पड़ेगा कि अक्यूज की मानसिक स्थिति क्या थी इस वक्त जब उसने काम किया। लास्ट पॉइंट ये उन्होंने लेट डाउन किया कि जो घातक प्रहार है यानी फैटल ब्लो और प्रकोपन के बीच में कोई ना कोई कोलैबोरेटरी रिलेशनशिप होना चाहिए, संपोषक संबंध होना चाहिए। किसमें, घातक प्रहार और प्रकोपन, यानी फैटल ब्लो और प्रोवोकेशन में अच्छा खासा संबंध होना चाहिए जो कि संपुष्ट करता हो कि हाँ इस प्रकोपन की वजह से ये घातक प्रहार किया गया जिसकी वजह से डेथ का हित हो गया किसी का। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट उन्होंने डाउन किया। पहला, वो सिचुएशन, वो सोसाइटी जिसमें रिजल पर्सन अगर उसको बैठा दिया जाए उस जगह पे हो तो क्या ऐसा प्रकोपन आएगा। दूसरा, क्या संकेत और शब्दों के माध्यम से साइम गश्यप वर्ड के माध्यम से भी प्रकोपन किया जाता है। तीसरा, मेंटल कंडीशन ऑफ द अक्यूज्ड। और चौथा, द गैप बिटवीन फैटल ब्लो एंड प्रोवोकेशन। ठीक है, यानी प्रकोपन और घातक प्रहार के बीच में संबंध चेक करना पड़ेगा कि सीधा संबंध बन रहा है या नहीं। ठीक है, इस 4 पॉइंट के आधार पर हम इस निर्णय में पहुंचेंगे कि हाँ ये परिस्थिति जो है ये गंभीर अचानक प्रकोपन के लिए माना जाएगा। इस सिचुएशन की वजह से ही ग्रेव और सडन प्रोवोकेशन क्रिएट हो गया। फ्रेंड्स, आगे आपको 2 केस के बारे में और बताएंगे जिसमें सबसे पहला है बुद्धि सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश 2013 सुप्रीम कोर्ट। इसमें क्या हुआ था कि बुद्धि सिंह अक्यूज्ड है, उसका भाई गंगाराम। ठीक, एक दिन गंगाराम क्या हुआ कि रात को काफ़ी शराब पी लिया और घर पे आने के बाद अपने ही पिता को गाली गलौज करने लगा, देने लगा, मारपीट करने लगा। पिता असहाय होकर के बुद्धि सिंह को आवाज़ भी लगाते हैं बचाव के लिए। बुद्धि सिंह आता है और गुस्से में जब देखता है कि गंगाराम पी करके पिता की बेइज्जती कर रहा है, उनके साथ मारपीट कर रहा है, तो छोटे से कुल्हाड़ी लेकर के गंगाराम के सिर पे मार देता है, उससे गंगाराम ऑन स्पॉट मर जाता है। तो इसमें अपेक्स कोर्ट ने हेल्ड किया कि पिता के साथ मारपीट करना, उसकी बेइज्जती करना किसी बेटे को बर्दाश्त नहीं होगा, और ऐसे में अचानक घटना घटती है और प्रकोपित होकर के एक बेटा दूसरे बेटे को या अपने भाई को मार देता है तो वो मानवध होगा, हत्या नहीं होगा। ठीक, एक फेमस केस है इसमें इसी से संबंधित, जमालुद्दीन वर्सेस मद्रास हाई कोर्ट का जजमेंट है 1955 सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें ये हेल्ड किया गया है कि संबंध को बताते हुए
सबसे पहला ये बताया गया है कि कोई भी पुत्र, बहन, माँ और बीवी अगर अपने पिता, ठीक है, या भाई, पति या पुत्र के संरक्षण में, ठीक, और उस संरक्षण में रहते हुए अगर ऐसी महिला, ठीक है, व्यभिचारित वाला कार्य करती है या कोई गलत कार्य करती है, उस गलत कार्य को देख करके ये पुरुष संरक्षित व्यक्ति अगर प्रकोपित हो जाए और उसमें उस महिला का डेथ गाइड कर दे, तो ऐसा डेथ जो है वो मानववध होगा, हत्या नहीं होगा। याद रखिएगा कि महिला अगर संरक्षित है, ठीक है, और संरक्षण में रहते हुए व्यभिचारिता वाला कोई कार्य करती है, गलत कार्य करती है, उससे जो संरक्षित व्यक्ति पुरुष उससे वो प्रभावित हो जाता है, प्रकोपित हो जाता है और डेथ गाइड कर देता है, तो दैट इज नॉट मर्डर बट इट इज मानववध, ठीक है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने या नर्मदा हाई कोर्ट ने एक बार और हेल्ड किया है कि अगर कोई महिला ऐसे किसी संरक्षण में है ही नहीं, यानी किसी गार्जियनशिप में नहीं रह रही है और फिर वो गलत कार्य में संलिप्त है, तो फिर ऐसे महिला के संलिप्तता के दौरान कोई घटना घटित होती है और हत्या कैद होती है, तो डैट इज अमाउंट टू मर्डर। यानी संरक्षण है तो मर्डर नहीं होगा, ठीक है, संरक्षण नहीं है और तब ये गलत कार्य हो रहा है, उस समय कोई घटना घटती है, तो डैट इज अमाउंट टू मर्डर, ठीक है। और याद रखिएगा 300 के जो अपवाद में आते हैं, ठीक, वो तो 304 से गबन हो जाएंगे, उनका पनिशमेंट 304 से होगा, लेकिन 300 के अपवाद में जो नहीं आ रहे हैं, याद रखिएगा, जो एक्सेप्शन में नहीं आ रहे हैं, वो सीधे क्या हो जाएगा, मर्डर हो जाएगा, यानी कि 302 से वो गबन होगा, ठीक है फ्रेंड। दैट्स इट फॉर ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन से संबंधित प्रोविजन है और उनके केस लॉ से, ठीक। नेक्स्ट, थैंक फॉर वॉचिंग वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम नेपर्स के साथ आपके साथ प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।